बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बेसन की बर्फी की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए मैंने एक कप जो है वो बेसन लिया है, हाफ कप मैंने चीनी ली है, एक चम्मच हमने घी लिया है, एक चम्मच हमने दूध लिया है बलाई के साथ, और थोड़े से हमने कटे हुए आलमंड्स लिए हैं। इसके साथ मैंने ये एक पैन या सांचा ले लिया है, और साथ में इसको ग्रीस करने के लिए ब्रश लिया है। चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमने घी लेना है। ये इसका ट्रिक है इसको बनाने का, जितना बेसन लेंगे उतना ही आपने घी इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज की रेसिपी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक खाली बाउल ले लेंगे, इसको हम करते हैं घी और मिल्क को साइड पे। इसमें डालेंगे बेसन, बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, और बेसन की कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ये देख लें एकदम फ्रेश है। इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे, बिल्कुल इसको फाइन करना है हमने। अब थोड़ा सा हम दूध शामिल करेंगे, अब इसको भी मसल के हम फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखें इस तरह से जो है हमने फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे साइड पर, और एक पैन के अंदर घी को गर्म करेंगे, जितना हमने बेसन डाला उतना ही घी डालेंगे। अब हमने एक पैन ले लिया, कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला है, ये मैंने घी ले लिया। अब घी के अंदर हम उसी बेसन को शामिल करेंगे। अच्छा, जब भी आपने ये करना है तो आपने साथ साथ क्या करना है, इसकी कसाई करते जाना है, कसाई कहते हैं घोटने को। इस तरह से आप इसको प्रेस करते जाएं, और इसको हमने भूनना है। अब इसी तरह हम इसको भून लेंगे, और जब तक इसकी खुशबू आएगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर भूनेंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो शीरा शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, ये आपस में मेल पकड़ रहा है। अब हमारा जो बेसन है ये रेडी हो चुका है, अब दूसरी साइड पर हम जल्दी से शीरा तैयार करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब शीरा तैयार करेंगे। अब जब तक जो इसकी डो है रेस्ट पोजीशन में, तब तक हम शुगर सिरप यानी कि शीरा तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम चीनी लेंगे, पतीली में मैंने चीनी डाल ली, और साथ हम एक कप जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे, और ये जो इलायची है इसको हम खोलकर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है, जैसे ही इसको बॉईल आएंगे हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। बेसन की बर्फी के लिए बस हमने शीरा इस तरह तैयार करना होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग में तार बनती है ना, वो शीरा मोटा हो जाए। अभी ये बन रही है, बनना स्टार्ट हुई है, प्रॉपर नहीं बनी, हमने सिर्फ तार बनानी है। तो तार बनाने के लिए तरीका क्या किया आपने, यूं चम्मच के साथ डालकर, ये देखिए अभी ये ड्रॉप्स इजीली गिर रहे हैं, तार में एक ये कनेक्शन सा बन जाता है। अब चेक करते हैं, ये देखें अब ये ऑलमोस्ट बनने लगी है तार।
ये देखें भी, और अब इसकी तार बनने लग गई। अब हमारा जो शीरा है वो रेडी हो गया है। अब मैं आंच को जो है वो बंद कर दूंगी और इसको हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब इसी बेसन के अंदर जो हमने भून कर रखा है इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अपना शीरा ऐड करेंगे। एहतियात के साथ हमने करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने सारा शीरा जो है इसके अंदर डाल दिया। चम्मच आपने हिलाते जाना है, रोकना नहीं है। ये देखिए ये इकट्ठा होने लग गए। अब हम यहां पे चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसको सांचे में या किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सांचा ले लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं और उसको अच्छे से जो है वो आपने घी लगा लेना। ये मेरे पास केक मोल्ड है। आप चाहें तो इसको प्लेट में भी निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसको भी लगा लिया और जो प्लेट है मैंने उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मैंने दोनों को ग्रीस कर लिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं पहले मोल्ड में डालूंगी और साथ में हम इसके लिए भी डालेंगे। तो जल्दी से अब हम अपना जो बेसन है वो इसके अंदर निकालते हैं। अब हम प्लेट में निकालते हैं बाकी का और मैं इसको टैप करके जब तक सेट करती हूँ। ये देखें, आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना। लेयर जितनी मोटी रखना चाहे वो आपकी अपनी मर्जी है, पतली रखनी चाहे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन हम एक खास कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो है इसको सेट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटे हुए हमने आलमंड्स हैं वो इनके ऊपर सारे सेट कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से अब मैं इसको छोड़ दूंगी 2 घंटों के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। आप चाहे तो इस पोजीशन पर इसको हल्के कट्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब मैं क्या करूंगी, अभी ही हल्के हल्के जो है इसको कट्स लगा लूंगी ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। बहुत गर्म है, जरा एहतियात करनी है आपने। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने मोल्ड को पकड़ेंगे और इस प्लेट के ऊपर देखेंगे। अब बहुत इजीली ये निकल आएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये बहुत इजीली जो है हमारी बर्फी निकल आई है। इसको अब हमने कट से गा लिया। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।